हेलो नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान घर चैनल पर। आज हम एग्रोनॉमी का भाग 5 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एग्रोनॉमी का भाग 5। सिमेजिन खरपतवार नाशक इनमें से किस ग्रुप के अंदर आती है? सिमेजिन खरपतवार नाशक ट्राइजिन्स ग्रुप के अंदर आती है, ट्राइजिन्स। इनमें से कौन सा चयनित शाकनाशी है? एट्राजीन इनमें से चयनित शाकनाशी है, एट्राजीन। लेग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक होता है, यह किनमें पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है। किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? बरसीम को चारे का राजा कहा जाता है, बरसीम। बरसीम का वानस्पतिक नाम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, फैमिली लेग्यूमिनेसी, 2A नंबर 16। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कपास का वानस्पतिक नाम गॉसिपियम स्पेसीज, फैमिली मालवेसी, ओरिजिन इंडिया। गेहूं में करनाल बंट किसके द्वारा होता है? गेहूं में करनाल बंट टिलेटिया इंडिका नामक फफूंदी द्वारा होता है, टिलेटिया इंडिका। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली ग्रेमिनी, ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया। गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय किसे है? गेहूं में हरित क्रांति का आधारीय श्रेय अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का अधिक प्रयोग है। गन्ने का बौना पेड़ी रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने का बौना पेड़ी रोग वायरस द्वारा होता है, वायरस। गन्ने का वानस्पतिक नाम सैकेरम ऑफिसिनेरम, फैमिली ग्रेमिनी, ओरिजिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। किस तंबाकू की कटाई प्राइमिंग विधि से की जाती है? सिगरेट तंबाकू की कटाई प्राइमिंग विधि से की जाती है, सिगरेट। तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटियाना स्पेसीज, फैमिली सोलोनेसी, ओरिजिन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, 2A नंबर 48। गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को क्या कहते हैं? गन्ने के चारों ओर बोई गई पटसन की फसल को रक्षक सस्य कहते हैं, रक्षक फसल। गन्ने का वानस्पतिक नाम सैकेरम ऑफिसिनेरम, फैमिली ग्रेमिनी, ओरिजिन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। पटसन का वानस्पतिक नाम क्रोटोलेरिया जुन्सिया, फैमिली फेबियेसी, 2A नंबर 16। वरुणा किस फसल की प्रजाति है? वरुणा लाही की एक उत्तम प्रजाति है, लाही। लाही का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका जुन्सिया, फैमिली क्रूसीफेरी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर बीपी पॉल थे, डॉक्टर बीपी पॉल। इनमें से कौन सा वृद्धिकारक खेती का उदाहरण है? वृद्धिकारक खेती का उदाहरण बरसीम के साथ सरसों, बरसीम के साथ सरसों। कौन सा तंबाकू देर से मैच्योर होती है? बीड़ी तंबाकू देर से मैच्योर होती है। तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटियाना स्पेसीज, फैमिली सोलोनेसी, ओरिजिन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में हुई, 1960।
किसी कारण से मुख्य फसल यदि नष्ट हो जाए या बोने में देरी हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ऐसी फसल को कैच क्रॉप कहते हैं। कैच क्रॉप। इनमें से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है? कैल्शियम एक द्वितीय पोषक तत्व है। कैल्शियम। निचली भूमि की धान की खड़ी फसलों में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ऐसी फसल को पाड़रा फसल कहते हैं। पाड़रा फसल। साधारण गेहूं होता है। साधारण गेहूं हेक्साप्लॉइड होता है। हेक्साप्लॉइड। चंपावती किस फसल की उन्नत किस्म है? चंपावती मंडुआ या रागी की उत्तम किस्म है। मंडुआ। मंडुआ का वानस्पतिक नाम इलियोसीन कोराकाना है। फैमिली ग्रेमनी। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को किस फसल पर कार्य करने हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को गेहूं पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गेहूं। वारालक्ष्मी किस फसल की एक संकर प्रजाति है? वारालक्ष्मी कॉटन या कपास की एक संकर प्रजाति है। कपास। कपास का वानस्पतिक नाम गॉसिपियम स्पेसीज। फैमिली मालवेसी। ओरिजिन इंडिया। भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1926 में गठित किया गया। 1926। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? सरसों की मिश्रित खेती गेहूं के साथ की जाती है। गेहूं के साथ। मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को पिसी कल्चर कहते हैं। एविकल्चर चिड़ियों से संबंधित है। वर्मी कल्चर अर्थवर्म या केचुआ से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित है। तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर। इसी के साथ एग्रोनॉमी का भाग 5 समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।